Good morning, my dear students. Students, from today onwards, we are going to learn one more subject, and that is our drawing subject. बच्चों, आपको drawing करना अच्छा लगता है? Yes, सबको drawing करना अच्छा लगता है. उसमें color करना आपको अच्छा लगता है ना? Yes, तो आज से हम लोग drawing का भी lecture start करेंगे. Okay? So, first I am going to show you all in our today's lecture is name plate. Okay? So, students, पहले start करने से पहले, I will tell you all what materials you will need for today's lecture. Okay? So, we will need a scale. You all can use a small scale or else you all can take a bigger scale also. Then a pencil, eraser, wax color or your oil pastel colors also. Okay, आपके पास ये colors होंगे, आप ये colors use करो, या जो oil pastel colors आते हैं आपने वो use किए तो भी चलेगा. But you are not going to use water colors. आप वाटर कलर्स यूज नहीं करेंगे. ओके ओके. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी ड्राइंग, इट इज कंपल्सरी टू क्रिएट मार्जिन फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स. चारों साइड से आपको मार्जिन क्रिएट करनी. ओके, सो हम लोग स्केल रखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल वी विल स्टार्ट मार्किंग द मार्जिन. आपको स्केल यूज करनी है. मार्जिन बनाने के लिए आपको स्केल यूज करनी है. विदाउट स्केल आप मार्जिन नहीं बनाओगे. ओके, इट इज कंपल्सरी टू यूज मार्जिन, यूज स्केल फॉर द मार्जिन. स्टूडेंट्स, आफ्टर मार्जिन वी विल राइट अ टूडेज डेट इन लेफ्ट साइड कॉर्नर. ओके, ओके, आफ्टर टूडेज डेट वी विल राइट अ टॉपिक नेम, एंड टूडेज आर टॉपिक नेम इज नेम प्लेट. ओके, ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डिड द मार्जिन फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स. एंड स्टूडेंट्स, दिस यू आर गोइंग टू डू ऑन योर राइट हैंड साइड पेज. ओके, लेफ्ट हैंड पे नहीं करना. आपके ड्राइंग के बुक में आपको वो राइट हैंड साइड पे करना है. ओके, आफ्टर मार्जिन वी रोट द डेट. आफ्टर डेट we wrote our today's topic name, and topic name we wrote up on the margin. Okay, so now students, with the help of scale, lightly we are going to mark line. Lightly you are going to mark. Okay, one line, second line, third line, fourth line, and last fifth line. Okay. So now students, in this I am going to show you all my name.
बच्चों इसमें मैं मेरा नाम लिखूंगी, पर आप मेरा नाम नहीं, आपका खुद का नाम लिखोगे, ओके? यू आर नॉट गोइंग टू राइट माई नेम, यू आर गोइंग टू राइट योर नेम, ओके? ओके, तो अभी हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे. बट स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू फर्स्ट ड्रॉ इट लाइटली, देन यू आर गोइंग टू डार्कन, ओके? ओके, देन वी विल सी हाउ वी कैन फिल कलर इन आर नेम प्लेट, ओके? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो माई नेम इज लैरिसा. सो आई हैव एल ए आर आर आई एस ए. आई हैव टोटल 7 लेटर्स इन माई नेम. सो आई एम गोइंग टू फिट 7 लेटर्स इन माई 5 लाइन, ओके? सो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल स्टार्ट डूइंग. सो वी आर गोइंग टू मार्क अ स्ट्रेट लाइन, देन वी विल डार्कर इट. सो माई फर्स्ट लेटर आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट लेटर एल लिखा है. मैंने मेरा ये स्केल यूज की है मेरा फर्स्ट लेटर लिखने के लिए. अभी स्टूडेंट मेरा नाम बहुत बड़ा है, मेरे वर्ड्स बहुत बड़े 7 वर्ड्स हैं. वो अगर यहाँ पे फिट नहीं होंगे तो मैं वो थोड़े से जो बचेंगे लेटर्स, वो लेटर्स को मैं नीचे लिख दूंगी, ओके? सो आफ्टर एल माई वर्ड अदर वर्ड इज कम अदर अदर लेटर इज कमिंग ए लेटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट लेटर ए. सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई एम डूइंग इट लाइट. अगर वो परफेक्ट आ रहा है तो मैं उसको डार्क कर रही हूँ. सो यू विल ऑल्सो फर्स्ट डू इट लाइटली. A. See students, I have written word letter A. After L, I have written letter A. Now I am going to write letter R. Okay. See students, our letter R is also done. So again in my spelling, letter R is repeated. So the same R, I'm going to do it again. Okay. First we are going to mark a straight line. Then one line from upward. Just like this. And from there, we are going to bring inside like this,
and from there again down. See students, our letter R is also done. So our total four letters are done. 1, 2, 3, and 4. My second another letter is I letter. So now I'm going to write letter I. Two straight line, then we are going to touch the line. From here again one straight line. Okay, so we are done with I also. Now we are going to write S. Okay, for S, see how I am writing, you will also write the same way. First mark a line like this. If aapke spelling mein S aata hoga to, okay. Then we are going to mark a line from here in cross, in slanting position. Okay. Then again we are going to take the line downwards. And from here we are going to mark a U like this. Okay. Then again a straight line. See students, our S is also done. Now my last letter is remaining, that is A letter, which I can write over here. Okay, so we will write the same way. स्टूडेंट्स, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे और दो तीन लेटर्स लिख के दिखा रही हूँ. ओके, अगर आपका कौन सा वर्ड इसमें नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो. ओके, सो फर्स्ट आई विल राइट लेटर टी.
See students, I have written the letter T. Now I will show you letter M. Okay, the letter M. Now we will show you letter U. So the letter U. Now students, we will start coloring our name with the help of our colors. Okay? So students, for my name coloring, I will use two colors, that is red color and yellow color. With the help of two colors, I am going to complete my coloring. And students, always you have to color in one direction only. You are not going to change the direction, okay? So now with the help of red color, I am going to color the name. So see, my letter L is done. Now the same color I am going to use for R also. As you all can see, I have left the letter A because there I am going to use yellow color. One red color, one yellow color. Like this, I am going to apply the colors. Okay, now I'm going to use the same red color for letter I also. आपको जो कलर देना है आप वो कलर दे सकते हो. The colors which you will like, you all can give that color also. It's not compulsory that you have to give these two colors only. Okay, so we are done with red color. Now we are going to use a yellow color. And the remaining letters we are going to do with yellow color.
The same for our letter S also. Okay, so we are done with our nameplate.